हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक शिलारे। मैं रायपुर का निवासी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी रुंगटा कॉलेज से, और अब मेरा कल्चर मतलब फिशरी में मेरा मन आने लगा, थोड़ा इंटरेस्ट जागा। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सासमल सर हमारे हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट ईयर जब मैं आया था तब मैं थोड़ा लेट हो गया था, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैंने सर को प्रॉपर फॉलो किया और सर के कॉन्टैक्ट में रहा, तो मुझे पता चला कि नेक्स्ट ट्रेनिंग कब होगी, और मैंने रजिस्ट्रेशन किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। बेसिकली अगर आप देखिए, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं था फिशरी के बारे में, कल्चर कैसे होता है, पॉन्ड कल्चर कैसे करना है। तो सर से मैंने पहले पूछा था, सर ने बोला कि आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, उसमें सर आपको सारी नॉलेज देंगे, बेसिक आपका फिश के बारे में, आप पॉन्ड कल्चर कैसे करें, आप साइट सिलेक्शन कैसे करें, अगर आप कोई लैंड लेते हैं तो आपको पहले साइट सिलेक्शन करना आना चाहिए, और आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजीली होना चाहिए रोड के पास मतलब, और टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, सारा डिटेल आपको ट्रेनिंग में मिलता है यहाँ पे। और सीड प्रोडक्शन कैसे करना है, आपको सीड प्रोडक्शन जैसे अगर आप कल्चर कर रहे हैं ऑर्नामेंटल हो या फिर आप कल्चर कर रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि सीड कितना डालना है अपने पॉन्ड में, कितने एकड़ का पॉन्ड होना चाहिए, या अगर आप हेक्टेयर में कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि स्टॉकिंग कितना होना चाहिए, प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट सारा डिटेल आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा। स्टॉकिंग में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या 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 आपको कितने मात्रा में आपको स्टॉक करना है एक पॉन्ड में, ये सारी जानकारी आपको सासमल सर देंगे। और काफ़ी अच्छी सर ने ट्रेनिंग दी हमें, सभी मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे सारे मतलब सर से इम्प्रेस्ड हैं। और फूड अगर हम दे रहे हैं मछली को, तो आप कैसे फूड को मैनेज करें, कितना उनको सैम्पलिंग करके देना पड़ता है, बायोमास कैसे निकालना है, कितने टाइप्स की डिजीजेस होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको ट्रेनिंग में मिलेगी। और नेक्स्ट 1.5 दिन तक हमारा बेसिक्स का ही चलता रहा। 4 दिन की ट्रेनिंग पीरियड है, 4 दिन का, 4 से 4 to 5 days हमारा अप्रॉक्स होता है ट्रेनिंग पीरियड। तो एटलीस्ट 1 से 1.5 दिन तक हम बेसिक्स सेशन सर जो हैं बेसिक्स की फिशरी के बारे में बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। तो उसमें हम बायोफ्लॉक कल्चर के बारे में सीखा है सर ने, उसकी हमारी क्लासेस हुई। तो आप बायोफ्लॉक का आपको टैंक कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, वाटर प्रिपरेशन कैसे करना है, उसमें एरेशन कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, वाटर स्टॉकिंग कितना करना है, फीड मैनेजमेंट, CN रेशियो, सारा डिटेल आपको दिया जाएगा। बस आपको ससुर सर की ट्रेनिंग जो पीरियड रहता है उसमें आप लेट मत होएं, और प्रॉपर टाइम टू टाइम ध्यान दें क्लास में, आपको सारा नॉलेज मिलेगा। और जो मेन हमारी फिशरी में जो टर्मिनोलॉजी होती है, लाइन कितने लाइन का बच्चा होता है, या स्टॉकिंग, फीड, सैम्पलिंग, ग्रेडिंग, ये सारे बारे में मतलब आपको नॉलेज मिलेगी। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ससमल सर को कि जय जोहार संगवाल हो। मोर नाम से स्नेह जायसवाल, मैं मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं मछली पालन में खेती करना चाहते रहे हूँ, बट मोले के बारे में नॉलेज नहीं रही से, तो फिर मैं पता करें तो पता चलीस कि डॉक्टर है ससमल सर जो कि रायपुर में एक बारे में ट्रेनिंग देते, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ 5 दिन का जो चलता है प्रशिक्षण, वो मैं पता सब हमको सिखाया गया सर, 2 दिन में बेसिक के बारे में बताया। फिर हम लोग ट्रेनिंग के लिए इधर गए, तो यहाँ बहुत सारा फार्म हाउस है, उसमें हम लोग खुद ट्रेनिंग किए कि बैठा कैसे होता है, पॉन्ड तालाब के बारे में कैसा होता है, क्योंकि ये सब चीज़ हम दूसरे से सीख जानकारी लेके नहीं कर सकते, खाली खुद से ही करे पड़ते। तो हम लाए फिर यहाँ सीखें, तो सारा चीज़ हम खुद से करें, जा के देखें जगह में कितना पानी में कितना बीज डालना रहते, कौन से समय में कौन से यूरिया खाद देना रहते, ये सब चीज़ हमारे सर डॉक्टर सुषमा सर के हम गाइडलाइन में करें हैं। फिर से फिर हम कितने दिनों के लिए कितना बीज देना रहते, कितना में ये सब चीज़ करें, उसके बाद फिर तालाब में गए, फिर बीज कितना महीने में कितना वेट आता है, उसका वजन करने के बाद फिर हम उसको फिर हम दिन फिर 2 दिन फिर ट्रिप करके फिर नेटिंग वोटिंग जाल वाल फिर फेंकें, फिर वो फ्लाक फिर है टैंकर में कैसे करते हैं, सीमेंटेड वाला करते हैं, फिर जिसके पास
कम जगह रखे तो काहे दिक्कत होते है, तो वहाँ फिर हम लोग यहाँ टैंकर है सीमेंटेड एक्वेरियम बना सकते हैं, जैसे पॉन्ड नहीं हो सके तालाब गांव में, तो ये सब चीज़ के बारे में हमारे डॉक्टर रिसर्च स्पॉन्सर के माध्यम से किए हैं। और यहाँ बहुत बड़ा एक लेबोरेटरी है जब अपन खुद से सर बहुत सारी स्पीसीज लेके रखे हैं जेकर बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल सकते। तो कोई भी संगवारी हो जो करना चाहता हो और ट्रेनर लेना चाहता हो हमारे डॉक्टर सुषमा सर से रायपुर में कृषि विज्ञान केंद्र जो कि 5 दिन का प्रशिक्षण चलते वहाँ आके अपन मन देख सका था खुद से कर सका था। और यहाँ बहुत से अदर अदर स्टेट से आए हुए, कोई यूपी से है, कोई आंध्र से है, कोई बंगाली है, कोई छत्तीसगढ़ी है, और मैं छत्तीसगढ़ से खुद हूँ और मैं आया हूँ। तो ये आज मेरा 5वां रोज है और ये ट्रेनिंग का आज लास्ट दिन है। तो मैंने बहुत सी जानकारी दिया जो कि डॉक्टर सुषमा सर बहुत एक्सपीरियंस है, लगभग 20 ईयर्स हो गए केसेस से जुड़े हुए हैं। तो आप नवा संगवारी हो और देखा यहाँ का होते अपन से खुद, क्योंकि आप खुद आओगे तो एक बारे में ज़्यादा जानकारी देगा, ये आप ज़्यादा ज़्यादा सीख सकता था। धन्यवाद। नमस्कार, हमारा नाम गोपाल, हमें उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिला से, और हमार निजे 10-12 एकड़ तालाब आसे। तो अभी नॉर्मली फिशरि विषय किस जानतम ना, तो सासमन सर वीडियो देखे हमारे तो शेखार इच्छा हलो, तो छत्तीसगढ़ रायपुर जे जेखने एन ट्रेनिंग निर्देश ट्रेनिंग हमार लास्ट आज के शेष हलो, तो ये माछ কিভাবে পালন করা লাগবে, মতলব কি কি করে কি করতে হবে সেটা ভালো করে শিখলাম। শেখার পরে আর স্যারের ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেইখানে সব ভিডিও আছে, আর আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেইগুলোকে মাছ ধরা, মাছের বিমারি চেক করা সব কিছু ডিটেলভাবে জানলাম। আর আগেও আমরা স্যারের কাছ থেকে এই বিষয়ে জানকারি নিতে থাকব, আর চেষ্টা করব কি আমাদের যে কাজ আগে আমরা জানতাম না সেটা অল্প প্রোডাকশন আমরা বের করতাম, এখন আমরা চেষ্টা করব কি সেটাকে আমরা একটু বাড়ানোর চেষ্টা করব। নমস্কার, আপ সবাই কো নমস্কার, মেরা নাম নিশান কুমার সালাম হ্যাঁ, মানে বস্তর সে হুম, আর মানে স্যার সসমল স্যার কা এক ইউটিউব চ্যানেল মে প্রোগ্রাম দেখা, ভিডিও দেখা, तो मुझे जानकारी मिली कि फिश फार्मिंग के बारे में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मेरा अभी रिसेंट में प्लान है फिशरी करने का, मेरे पास लैंड भी है 1 एकड़ का, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फिशरी करूँ, तो इसलिए मैंने 5 दिन का जो ट्रेनिंग है सर के कांटेक्ट करके मैंने ट्रेनिंग का जानकारी लिया और इस ट्रेनिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया। और मुझे इस ट्रेनिंग में मतलब जो बेसिक फिश कल्चर करते हैं लोग, हम बस्तर में, हमारे बस्तर में क्या है जैसे हम फिशिंग करते हैं तो डायरेक्ट तालाब में डायरेक्ट बिना उन्नत तकनीक के डायरेक्ट फिशिंग है, जिसमें मैंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं एक बार ग्रो कर दिया फिश डायरेक्ट उसको कलेक्ट करें और सेल करें। तो मैंने यहाँ ट्रेनिंग में ये सीखा कि कैसे हम उन्नत तरीके से अच्छे तरीके से फिशिंग कर सकते हैं कि और ज़्यादा उत्पादन 1 एकड़ के फॉर्म में ले सकते हैं। और मैंने ये सीखा कि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से पहला दिन हमें जो बेसिक नॉलेज है फिशरीज का क्या है, हम लोगों को 0 लेवल है, मतलब नॉलेज का उतना पता नहीं है कि किस तरीके से हम जो पुराना पद्धति है उसी तरीके से हम खेती करते आ रहे हैं फिशरीज का। तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बेसिक नॉलेज दिया और साथ ही साथ हमें 5 दिन के प्रोग्राम में पूरे दिन हमें फील्ड का नॉलेज, मतलब हमने जिस तरीके से फर्टिलाइजर कैसे देना है पॉन्ड में और उसका मेजरमेंट कैसे करना है, नेटिंग कैसे करना है, पूरे अच्छे तरीके से तकनीकी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से हमें सिखाया। साथ ही हमें ये भी जानकारी दी कि अगर हम स्टंट फिश करके आते हैं बीज उसके बारे में बताया और हम कैसे कम समय में बहुत अच्छे तरीके से 4 से 3 महीने में एक अच्छा खासा फसल तैयार कर सकते हैं और ले सकते हैं 1 से 1.5 केजी का, इस बारे में हमें सुषमल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से बताया। और हम लोग और भी जानकारी जैसे हम किस तरीके से इनको फर्टिलाइजर दे सकते हैं अपने तालाब में वो भी हमें पूरे उन्नत तरीके से बताया गया, हमें प्रैक्टिकल भी करवाया गया हमें साथ ही साथ।
और साथ ही हमें किस तरीके से हम भोजन, अगर फूड, अगर हम मछली को फीड कराते हैं और उसमें हम किस तरीके से अपने पैसे को सेविंग कर सकते हैं, कितना खाना देना है, कितना मछली को आवश्यकता है, उस अनुसार से हमको वैज्ञानिक तरीके से हमको ये सिखाया। और साथ ही साथ हम कितना परसेंट उससे सेव कर सकते हैं, हम किसानों लोग का पहले ही वो रहता है कि हम कम पैसे में ज़्यादा उत्पादन ले सके, तो हमारा अगर खाना बच जाएगा तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सेविंग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और यही वो बहुत अच्छे तरीके से सर ने सिखाया हमको, और ये 5 दिन पता नहीं चला, हमको 5 दिन भी कम पड़ गया सीखने के लिए। अगर हम चाहे तो और भी दिन सर से सीख सकते हैं, और सर बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ों को अच्छे तरीके से बताते हैं कि हम इजिली उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं अपने फील्ड में। बस यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू। ना पेर चंद्रशेखर, छत्तीसगढ़ राष्ट्र भिलाई ना निवास, अलगे ఇక్కడ కేంద్రీయ విద్యాలయ రాయ్పూర్లో శ్రీ సాస్మల్ అధ్యక్షతన చేపల పెంపకం ఎలా అనేది దానికోసం కోచింగ్ కోసం నేను రావడం జరిగింది. ఈ ఒక ట్రైనింగ్లో మన ఆంధ్రాలో ఈస్ట్ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి చాలా చెరువులు, నదులు ఉన్నాయి. అక్కడ చాలా విపరీత పద్ధతిలో పెంచుతూనే ఉన్నారు. కాకపోతే తీర ప్రాంతమైన మన శ్రీకాకుళం డిస్టిక్లో ఈ పెంపకం కోసం ఎంతైనా అవసరం ఉంది. అక్కడ విద్యార్థులకు కానీ, అక్కడ ఉపాధి పథకం కోసం కానీ, చేపల పెంపకం కోసం మనందరం కూడా కృషి చేయాలనేది నా ఒక ఉద్దేశంతో నేను నా వ్యాపారం ఉన్నప్పటికీ కూడాను చేపలు పెంచి ఒక ఉపాధి నేను ఆర్థికంగా సంపాదిస్తూ ఇతరులకు కూడా ఒక ఉపాధి కల్పించాలనే దృష్టిపథంతో ఈ ఒక ట్రైనింగ్కి రావడం జరిగింది. ఈ ట్రైనింగ్లో ముఖ్యంగా చిన్న రైతు కానీ పెద్ద రైతు కానీ ఏ విధంగా చెరువులు తయారు చేసుకోవాలి, ఆ చెరువుల్లో ఏ విధంగా నీరు నింపాలి, ఎరువులు ఏ విధంగా వేయాలి, అలాగే సీడ్ పిల్లల్ని ఏ విధంగా మనం తెచ్చుకొని దాని తాలూగా ఆరోగ్యం, పద్ధతి, భోజనం అన్నీ కూడాను సార్ శాసమాల గారు చాలా క్లుప్తంగా అర్థమయ్యేలాగా మా అందరూ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. మనం అందరూ పెద్ద రైతులు కాకపోవచ్చు, చిన్న రైతులు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడాను బయోప్లాక్ పద్ధతిలో తక్కువ ఖర్చుల్లో మన చేపల పెంపకం కోసం ఏ విధంగా తయారు చేయాలి, దానికి ఏ విధంగా మనం అన్నీ కూడాను కల్పించాలనే పద్ధతిగా చాలా బాగా వివరిస్తూ చాలా, అంటే ఈ 4 రోజుల ట్రైనింగ్లో కూడాను చాలా ఆనందంగా ఒక నాలెడ్జ్ అనేది మాకు ఏర్పడ్డది. ఇకపోతే దీనికోసం మనము చెరువుకి ఎలాంటి భూమి కావాలి, ఎలాంటి వాతావరణం కావాలి అనేది కూడాను చాలా బాగా వివరించారు. దాంట్లో ఇండోర్ సిస్టమ్ ఉంది, అవుట్డోర్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది, అది కూడాను మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్లో చాలా పొందగలం. ఇకపోతే చేపలు పెంపకం ఈ రోజుల్లో పెద్ద ఒక ఉపాధి కల్పం. ఆ ఉపాధి కల్పన చేయాలంటే ఇలాంటి ట్రైనింగ్లు మీ యువత, మన యువత ఇక్కడికి వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని నా ఒక ఉద్దేశం. ఇది ట్రైనింగే కాకుండా ప్రాక్టికల్గా మాకు చెరువుల్లో ఎలాగ నెట్టింగ్ చేయాలి, ఎలాగ దాన్ని సీడ్కి మార్చాలి, అదేవిధంగా ఏ జాతికి చెందిన చేప ఏ ఎంత ఉండాలి ఎలాగ అనేది చాలా దీనిగా మేము ప్రాక్టికల్ కూడా చేసాం. ప్రాక్టికల్ చేసి దాని తాలూకా అనుభవం అనేది ఈ కొంత టైంలో మాకు బాగాను కల్పించినందుకు సజ్మన్ సార్కి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ యువతని మన తీర ప్రాంతం, ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం విజయనగరం యువత ఈ ఒక అవకాశాన్ని పొంది మీరు ఒక ఉద్యోగరీత్యా ఉపాధి కూడా సంపాదిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ ఒక దీన్ని తీసిన దానికి మరొకసారి శాసన సార్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు.